हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ पूजा, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिमनी साफ़ करने का बिल्कुल घरेलू उपाय। आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे खाने वाला सोडा यूज़ करूँगी या कास्टिंग सोडा, कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं। बिल्कुल मैं एक ऑयल से साफ़ करके दिखाऊंगी, वो भी इतना फटाफट से साफ़ होता है, और नॉर्मल वो घर में भी आपका मिल ही जाएगा 10 से 15 रुपये में। ये एकदम ज़बरदस्त, वो भी एकदम अच्छा चिकना चांदी की तरह चमक जाता है। मैंने सब कुछ यूज़ किया है, और सब कुछ यूज़ करने पर मैं यही देखी हूँ कि कहीं ना कहीं दाग धब्बे रह ही जाते हैं, चिकनापन, न्यू वाला फीलिंग नहीं आता जैसे हम लोगों ने न्यू चिमनी लाया हो। लेकिन हाँ, इस ऑयल को से साफ़ करोगे ना आप, तो पक्का आपको लगेगा कि आपका चिमनी बिल्कुल चांदी की तरह चमक गया है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं बता देती हूँ कि किस तरह से इसे साफ़ करना है और कौन सा ये ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ जिनके जिनके घर में चिमनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ। थैंक यू। देखो, मेरा चिमनी की हालत इतनी गंदी हुई हुई है, इस वजह से हुई है क्योंकि मेरी चिमनी कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं इसे साफ़ किए। इस वजह से क्योंकि मैं जब इस ऑयल से साफ़ करती हूँ ना, तो ये जल्दी गंदा भी नहीं होता है। और अभी मैं इस फ़िल्टर को निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है, मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर रखा है। आप भी न्यूज़पेपर का यूज़ ज़रूर करना, जिससे आपका फ्लोर वगैरह गंदा नहीं होगा। और उसके बाद एक ख़राब कपड़ा ले लो, एक ग्लव्स ले लो, ग्लव्स नहीं है तो हाथ में कैरी बैग वगैरह बांध लो, क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है। और नेक्स्ट आप इसे खोलने कर बहुत ज़रूरी है, इसे खोलना इसलिए ज़रूरी है कि देखो, जब इसमें इस तरह के प्लेट बनाए हुए होते हैं, इस तरह से ये है फिल्टर, कि अंदर जाके पूरा ऑयल जमा होता है। आप इसे नहीं खोल के साफ़ करोगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर साफ़ नहीं होगा। आप सर्विस भी कराते हो ना, देखना वो भी खोल के ही करते हैं। खोल के करना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जो भी कुछ है इस तरह का कोई चीज़ है तो आप उसे खोल सकते हो, ये बहुत आसानी से खुल जाता है। अब मैंने खोल लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ किरासन तेल, घासलेट, और क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, ये वही है। बस इसे मैं कटोरा में ले रही हूँ, और अब इसे मैं इसमें एक कपड़ा डालूँगी, और बिल्कुल अच्छे से कपड़ा भींग जाना चाहिए। उसके बाद इसको एक बार सभी जगह में लगा दूंगी, जहाँ जहाँ पूरा गंदा है इस फिल्टर में, सभी जगह में अच्छे से कपड़े से लगा दीजिए। उसके बाद ब्रश से घसिए, जहाँ जहाँ गंदा है बिल्कुल अच्छे से ब्रश से घस लो। ज़्यादा घसने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बार में क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है इसके साथ। और जब ये साफ़ हो जाए तो एक कपड़े से लेके अच्छे से पोंछ दो, बिल्कुल अच्छे से, जिसमें थोड़ा किरासन ऑयल लगा लेना। और फिर मैं इस तरफ उसी ब्रश से घस देती हूँ। एक बार मैं इसके ऊपर वो घास पेट वाला जो कपड़ा है एक बार इसमें लगा देती हूँ, थोड़ा ये नरम हो जाता है सारा गंदा। उसके बाद फिर मैं ब्रश इस पर करूँगी। अच्छे से ब्रश कर लिया मैंने, सारा गंदा निकल गया है। मैं इस कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। तो हो गया ना आसानी से बिल्कुल साफ़। इसी तरह से सभी फ़िल्टर को आप अच्छे से साफ़ कर लो, जिस तरह से मैंने बताया है। बिल्कुल अच्छे से किरासन ऑयल में डिप करो कपड़े को, और अच्छे से बिल्कुल सभी जगह लगा दो। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो ब्रश से घस दो, क्योंकि मेरा फ़िल्टर काफ़ी दिनों से गंदा हुआ है, इस वजह से मुझे ब्रश की ज़रूरत पड़ी है। नहीं तो मैं करीब 4 से 5 महीने के अंदर साफ़ करती हूँ, तो इतना कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ कपड़े में ऑयल लगाती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। तो जैसा भी आपका फ़िल्टर है, ब्रश से साफ़ कर दो, उसके बाद एक अच्छा साफ़ कपड़े से एक बार पोंछ दो, देखो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, जो ऑयल है, मतलब जो घासलेट है, वो थोड़ा स्मेल भी देता है और थोड़ा
रहता है कि हाँ कुछ लगाया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा जिस तरह से मैंने डिश वॉश करते हैं उस तरह से ही बर्तन जैसे धोते हैं, उस तरह से ही मैंने साबुन से बिल्कुल अच्छे से इसे अच्छे से माँज के बिल्कुल वॉश कर लिया है अच्छे से, और ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल न्यू न्यू चमक जाएगा चांदी की तरह। और उसके बाद से देखो जहाँ पे फिल्टर रहती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो उसे भी मैंने किरासन ऑयल से बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पोछ लिया है पहले। उसके बाद मैंने लगा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया अंदर में, तो थोड़ा मैंने ब्रश भी किया है, इसी तरह से मैंने साफ़ किया है जिस तरह से मैंने फ़िल्टर को साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे साफ़ कपड़े से मैं पोछ ली हूँ, तो मैंने इस सारा साफ़ कर लिया है। अब मैं फ़िल्टर को लगा देती हूँ। फ़िल्टर को लगाने के बाद आप देख सकते हो यह कितना अच्छा लग रहा है, पहले कितना गंदा था अभी बिल्कुल चांदी की तरह चमक गया है। देखा ना कितना आसानी से मैंने साफ़ कर लिया, वो भी 20 रुपये भी खर्च नहीं पड़ते, और आप सर्विस कराने जाओ ना तो इससे भी ज़्यादा 300 से 500 तक चार्ज करते हैं, पैसे भी बच जाते हैं और प्लस अच्छी सी सफाई हो जाती है। और इस ऑयल को यूज़ करने के बाद ना बहुत दिनों तक आपका चिमनी जल्दी गंदा भी नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ हमेशा लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।